ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन को देख लेते हैं। अब इसी पेज के ऊपर जो है वो मैं एक लेबल और एक बटन जो है, ये चलें एक लेबल ही ले लेते हैं, ये हमने एक लेबल एक ले लिया, और इस लेबल के ऊपर जो है ना एक हेडिंग रख देते हैं H1 ग्लोबलाइजेशन। ये थी जनाब लोकलाइजेशन। अच्छा, अब ग्लोबलाइजेशन जो है इसमें देखें कॉन्सेप्ट ये है कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा, ऐड एस पी डॉट नेट फोल्डर और ऐप अंडर स्कोर ग्लोबल रिसोर्सेज। पहले मैंने कौन सा फोल्डर ऐड किया था? लोकल रिसोर्सेज। अब मैंने ऐड किया ग्लोबल रिसोर्सेज, ठीक है। और अब इसके अंदर राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड एड न्यू आइटम, और मैंने सेलेक्ट कर ली रिसोर्स फाइल। इस फाइल का ना ही मैं नाम चेंज करूँगा और ना ही इसकी एक्सटेंशन चेंज करूँगा, और एज इट इज ऐड करूँगा, ठीक है। ना ही मैंने नाम चेंज किया ना एक्सटेंशन। अब इसके अंदर देखें मैं लिख रहा हूँ जनाब, अब कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास। मैंने लिख दिया बी कलर, बी कलर में बैक कलर भी लिख सकता था, बी सी भी लिख सकता था, बी ए भी लिख सकता था, जो मेरी जहन में आता है मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जैसे लेबल और वहाँ लोकलाइजेशन में क्या था कि प्रॉपर्टीज वही लिख सकते हैं जो उन कंट्रोल की थी। अब टेक्स्ट की जगह अगर मैं वहाँ टी एक्स टी लिख देता तो प्रॉब्लम हो जाती, यहाँ नहीं है। अच्छा, बी कलर में जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया ब्लू, और एफ कलर में जो है वो मैंने लिख दिया जनाब वाइट, और ये ऐसे कर दिया मैंने टी एक्स टी, और टी एक्स टी में लिख दिया दिस इज ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, फिर देखें ये जो लेबल है इसकी मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में जाकर इस लेबल की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है एक्सप्रेशंस, ये तमाम कंट्रोल में होती है। इसमें जाके आपको नज़र आ रहा है इसके एक्सप्रेशन, ये हैं इसकी बाइंडेबल प्रॉपर्टीज। बाइंडेबल प्रॉपर्टीज से मुराद वो प्रॉपर्टीज जो किसी डेटा सोर्स से बाइंड हो सकती हैं, ठीक है। इसमें से टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने सेलेक्ट किया, एक्सप्रेशन टाइप में सेलेक्ट किया रिसोर्स, क्लास की में मैं लिख रहा हूँ रिसोर्स, और रिसोर्स की में मैंने लिख दिया टी एक्स टी। देखें ये फ़ौरन ही बाइंड हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया डायरेक्ट, इसने यहीं पे दिखा दिया मुझे। लोकलाइजेशन पे तो मुझे रन करके देखना पड़ रहा था, ये बगैर रन करे ही दिखा रहा है, ठीक है। फिर मैंने इसका प्रॉपर्टी सेट की बैक कलर रिसोर्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिसोर्स, और रिसोर्स की में मैंने लिख दिया बी कलर। फिर मैं चला गया फॉर कलर प्रॉपर्टी में। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं बैक कलर को बी कलर से करूं, मैं बैक कलर को एफ कलर से भी कर सकता था, ठीक है। और फिर एक्सप्रेशन में जाऊंगा मैं, फॉर कलर रिसोर्स, रिसोर्स की जी रिसोर्स डॉट आर एस एक्स, नहीं नहीं यहाँ नाम रिसोर्स ही रहेगा ना, यही तो बात है, यहाँ नाम रिसोर्स ही रहेगा। ये रिसोर्स फाइल है फॉर इंग्लिश, अगर मुझे उर्दू के लिए बनानी है तो मैं इसका नाम रखूंगा रिसोर्स डॉट यू आर डॉट आर एस एक्स, ठीक है। अगर मुझे बनानी है अरबिक के लिए तो मैं इसका नाम रखूंगा रिसोर्स डॉट ए आर डॉट आर एस एक्स। अच्छा, अगर मुझे सपोज करें फ्रेंच में बनानी है तो मैं लिखूंगा इसका नाम रिसोर्स डॉट एफ आर डॉट आर एस एक्स। अगर मुझे जो है वो इटली इटालियन में बनानी है तो मैं इसका नाम रखूंगा रिसोर्स डॉट आई टी, ये बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं। ठीक है, चाइनीज का होता है आई थिंक जेड एच, जी। अच्छा, आप देखिए ये सारी मैंने यहाँ रिसोर्स फाइलें ऐड करवा दी हैं, ठीक है। इनमें चेंजेस भी कर लेते हैं लैंग्वेज के हिसाब से,
तो ये तो हमने करी हुई है। उर्दू में हम टेक्स्ट चेंज करेंगे, तो दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन, और ये हो जाएगी जनाब उर्दू में ये आलमगीरी, ठीक है, इसको हम ग्रीन कर। अच्छा जी, फिर हमारे पास है जेड एच, आई थिंक चाइनीज़ है ये, तो वो नहीं भी है तो हम इसको चाइनीज़ बना देते हैं। अच्छा चाइनीज़ जो है ना भाई, वो नहीं, ये तो खैर इंग्लिश ही है, चाइनीज़ जो है ना वो समझना जो है ना वो भाई, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें उल्टा कर लेते हैं, इसको जो है वो ग्रीन कर देते हैं और इसको ब्लू कर देते हैं। अच्छा फिर हमारे पास जो है वो इटालियन, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जनाब, ये इटालियन है भाई, अब जो कुछ भी लिखा हुआ है पढ़ते रहें, इसको मैं रेड करूँगा। सही है बेटा, सही है, ये मैंने फ्रेंच भी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अच्छा मैं आपको एक बात ये बताऊँ कि फ्रेंच में इसको जो है वो आप कर लें पिंक कर लें। अच्छा ये जो लैंग्वेजेस है ना यहाँ पर जिनमें आप लिख सकते हैं, ये मैंने सबसे पहले 2003 में जब ये काम किया था तो उस वक्त भी यहाँ पर पंजाबी थी लेकिन उर्दू नहीं थी, तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, पंजाबी थी उर्दू नहीं थी, और जब मैंने क्लिक किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इंडियन पंजाबी है, इसलिए पहले से थी, तो इस चक्कर में मत आइए, ठीक है। और ये जो पश्तो है दा ग्लोबलाइजेशन, पश्तो में इसको ग्लोबलाइजेशन कुछ मिला नहीं है। सिंधी भी है, सिंधी भी आ गई है, मुझे सिंधी में एक ही चीज़ याद है, वो बोलड़ोआ है, छोकर, ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, सही चल रहा है। बहरहाल तो हम कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन, अच्छा हमने जो है वो फ्रेंच भी कर ली थी, अरबिक रह गई थी, ब्लैक एंड वाइट था, फ्रेंच हो गई थी, ठीक है, इटालियन भी हो गई थी। हाँ अच्छा, अब जो है वो ये हमने सारी चीज़ें कर दी हैं, अब नतीजा क्या होगा ये जहन में रखें कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो वैसे चेंज नहीं होगी जैसे कि हम लोकलाइजेशन के बारे में कंसिडर कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे टूल बॉक्स से ऐड करवाएंगे एक अदर ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसमें आप कुछ आइटम्स ऐड करवाएंगे, यानी कि इंग्लिश पहली वैल्यू वो रखनी है जो बाय डिफ़ॉल्ट है इन डैश यूएस, इसकी वैल्यू है, फिर उर्दू, उर्दू की वैल्यू है जनाब यू आर, फिर चाइनीज इसकी वैल्यू थी जेड एच, अच्छा, और फ्रेंच एफ आर, इटालियन आई टी, और अरबिक और कौन सी
बस यही ठीक है ना। और ऑटो पोस्ट बैक भी मैंने इनेबल कर दिया ताकि पेज जो है वो क्या हो, पोस्ट बैक हो। तो अब आप जब इसको रन करेंगे तो आपको जो है वो जो भी पेज की आपकी लैंग्वेज सेट है, तो इस वक्त पेज की लैंग्वेज लोकलाइजेशन के हिसाब से क्या थी, अरबिक थी ना, ठीक है। तो वो यहाँ पर भी नज़र आए। तो हम करते ये हैं कि सेटिंग्स में जाकर डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश कर देते हैं। ये हमारा जो है वो इंग्लिश यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, ड्रॉप डाउन में पहली वैल्यू इंग्लिश है, ठीक है। अब पेज जब पोस्ट बैक होगा तो ये आएगा यहाँ पर सर्वर साइड कोड में। ये मैं आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि थीम और लैंग्वेजेस जो हैं वो इनिशियलाइजेशन के पेज में फेज में सेट होती हैं, तो आप ना आगे कर सकते हैं उनसे, और उस स्टेज में आपको रिक्वेस्ट में से डेटा उठाना पड़ता है। तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए जो मेथड आपको चाहिए ना, वो चाहिए इनिशियलाइज कल्चर। इसको करना पड़ेगा ओवरराइट, ठीक है। अच्छा, इसको जब ओवरराइट करेंगे तो वही आपने काम क्या करना है, आपको करना है इफ रिक्वेस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट वन इज नॉट इक्वल टू नल, ये पहली दफ़ा के लिए जब आप आएंगे यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो आपको एक वेरिएबल यूज़ करके इसमें जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, यानी अच्छा वैल्यू में क्या मिलेगा आपको, लैंग्वेज कोड मिलेगा ड्रॉप डाउन जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा, यानी ई एन डैश यू एस मिल जाएगा या यू आर मिल जाएगा, वो वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। अब वो आप लैंग्वेज में सेट करेंगे। अच्छा, पेज डॉट लैंग्वेज वाला कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, आपको यहाँ पे नेम स्पेस दो चाहिए, एक चाहिए सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन और एक आपको चाहिए सिस्टम डॉट थ्रेडिंग। थ्रेडिंग जो है ना वो बेकार सी चीज़ है, लोगों को बुखार चढ़ जाता है इसको देख के, लिहाजा छोड़ ही दें इसे, बस मैं जो कर रहा हूँ वो देख लें आप। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थ्रेड डॉट करंट, थ्रेड डॉट करंट कल्चर इक्वल्स टू कल्चर इन्फो डॉट क्रिएट स्पेसिफिक कल्चर, और इसमें वो कोड पास कर दिया मैंने। फिर मैं लिख रहा हूँ करंट थ्रेड डॉट करंट यूआई कल्चर इक्वल्स टू न्यू कल्चर इन्फो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैंने, ठीक है। सही है, कोड समझाने की कोई ज़रूरत है, समझा भी तो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो बस रट्टा लगा लें, रट्टा लगाने की भी क्या ज़रूरत है, ठीक है। आपके पास है कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। दो चीज़ें ही मैंने यहाँ चेंज करी हैं, करंट कल्चर और करंट यूआई कल्चर, लेकिन थ्रेड का चेंज किया है। अब थ्रेड से क्या मुराद है, तो ये मैं हल्का सा समझा देता हूँ आपको। असल में होता ये है कि एक पेज को एक वक्त में मुख्तलिफ लोग देख रहे होते हैं ना। अब एक यूज़र ने अपनी लैंग्वेज चेंज की है तो सबकी हो जाएगी क्या, जिसने चेंज की उसी की होगी, तो हर एक का थ्रेड अलग अलग है। तो ये थ्रेड की चेंज कर रहे हैं, सबकी चेंज नहीं कर रहे। आप सवाल करेंगे कि भाई इस तरह तो फिर थीम, तो फिर सब थ्रेड भी, थीम भी थ्रेड की चेंज होनी चाहिए थी, है ना। तो थीम का मसला कुछ और है, थीम जो है ना वो क्लाइंट साइट पे जाके स्टाइल अप्लाई हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो बहरहाल लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज में ना स्टाइल चेंज करना इतना बड़ा मसला नहीं है, लैंग्वेज चेंज करने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लग पता जाता है, अभी मैं बताऊंगा, एक हल्का सा आइडिया दे दूंगा आपको, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल अभी फिलहाल जो है वो हम इसको ज़रा जब रन करेंगे ना, देखिए एक चीज़ है लैंग्वेज चेंज करना और एक चीज़ है कल्चर चेंज करना, इसमें बड़ा डिफरेंस है दोनों बातों में, ये भी आपको समझ में आ जाएगी बात। तो अभी इंग्लिश है, मैंने उर्दू सेलेक्ट कर दी, ये हो गई चाइनीज़। अब चाइनीज़ देखें यहाँ पे लोकलाइजेशन में इसको लोकल फाइल नहीं मिली किसकी, चाइनीज़ की, क्या किया इसने, इंग्लिश उठा ली, फ्रेंच, इटालियन, अरबिक, ठीक है, सही है। अच्छा, फिर अब मेरे पास एक कंट्रोल है कैलेंडर, उसके साथ क्या करूँ भाई मैं, उसमें कैसे चेंजेस करूं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से हुआ बस।
अच्छा ये जहन में रखिएगा कि इससे जो है ना वो ऐसा नहीं हो रहा कि पेज की सेटिंग चेंज हो रही है। ब्राउज़र बंद किया, दोबारा खोलेंगे, दोबारा इंग्लिश आ जाएगी। ब्राउज़र में पहली दफ़ा वो खुलेगा जो लोकलाइजेशन में, उसके बाद चेंज करेंगे आप। अब मैंने उर्दू कर दिया, ये चाइनीज़ है, ये फ्रेंच है, इटालियन है और ये अरबिक है। ठीक है, 1438, पता है क्या है? पता होगा आप लोगों को भी, पता होगा आप लोगों को। तो ये बहरहाल इसमें हमें कैलेंडर में ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जो मैं बता रहा था ना कल्चर चेंज करने से क्या मुराद, तो कल्चर का बड़ा मसला है। मसला क्या है देखिए, मैं यहाँ पर एक लेबल जो है वो मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया कैलेंडर के नीचे, या कैलेंडर के ऊपर कर लेते हैं सर। ये मैंने कैलेंडर के ऊपर कर दिया। अच्छा फिर देखें, सीएस में जाकर, सीएस कोड में जाकर पेज लोड के अंदर मैं एक डबल वेरिएबल बना रहा हूँ, डबल नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 .89। ठीक है, और फिर मैंने किया ये कि लेबल 3 .text इक्वल्स टू string.format जीरो कॉलम सी कॉमा नंबर। अच्छा ये करेगा क्या कि नंबर को करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लेबल पे दिखा देगा। ठीक है, अच्छा लेबल जो है इसका जरा हम फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं। साइज थोड़ा बड़ा कर देता है और इसका जरा आउटपुट चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है देखें ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, हमने क्या लिखा था नंबर, हम जो ऐसी 1 2 3 लिख दिया था ना, इसने क्या किया उसको करेंसी में कन्वर्ट किया है। अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉलर। ठीक है, एक काम करें आप, अभी कैलेंडर को हटा देंगे, हमने लिखा था जनाब ये नंबर और ये डॉलर इसने इसके साथ अटैच कर दिया। अच्छा आप देखें, मैं उर्दू कर रहा हूँ, अब क्या आगे, ये कितना अमाउंट है, मुश्किल हो रही है। चलें, मेमोरी बहुत हमारी छोटी है, चलें कम कर लेते हैं इसको। रैम जो है ना हमारी, मेरे ख्याल है 8 MB की लगी हुई है सबके अंदर। अब तो बता देंगे ना, 1237 रुपये। पता है आपको क्यों पता है? आपको पता है कि डेसिमल से पहले जो है ना वो रुपए होंगे। ठीक, और आपने तो डायरेक्टली ऐसे बता दिया, बात तो शुरू हो जाते हैं 21, 22, 27, पहले 12। अच्छा मसला ये है कि फ्रांस में ये जो कॉमा है ना ये डेसिमल सेपरेटर है, और 1000 सेपरेटर होता है स्पेस। क्या मतलब? अच्छा इसको अगर आप पढ़ें कितनी अमाउंट है, अगर अगर आपको ये यूरो का सिंबल ना नजर आए तो आप क्या समझेंगे?
आप तो समझेंगे कि ये 89 जो है ये तो कॉमा के बाद है ना। अच्छा, इटालियन में उल्टा है, इटालियन में थाउजेंड सेपरेटर डॉट है और डेसिमल सेपरेटर कॉमा है। सही, एग्जैक्टली यही जर्मन में भी है। जर्मन में यूएसओ का हमेशा उल्टा होता है, जो चीज़ वहाँ वेस्ट से शुरू होती है वो उसको जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से करेंगे जानबूझ कर। ठीक है, अब ये हमें कितने लग रहे हैं अगर हम इसको देखें, हम तो इसको 1 रुपया बोल देंगे। समझ में आ रही बात? बहरहाल इस तरह कुछ हो जाएगी, गड़बड़ होगी, तो ये मसले हैं। देखिए ये चेंज जो है ना वो कल्चर हो रहा है चेंज। ठीक है, कल्चर का मकसद, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, मैं सिंपल आपको ये बताऊंगा, कल्चर चेंज हो रहा है। अच्छा, इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि वो बात और है कि 1,000 रुपये पाकिस्तानी जो हैं वो $10 के बराबर हैं, वो अलग मसला है, वो तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ जो डिस्प्ले करने का तरीका है उसकी बात हो रही है। ठीक है, $10 जो है वो कभी भी 10 रुपये के बराबर नहीं है, वो तो है ही एक मसला। मैं तो यहाँ सिंपल फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, तो ये इस वजह से जो है थोड़ा, ये जो हमने कोड लिखा है ना सारा थ्रेडिंग का और ये सारा जो काम किया, तो अब इसमें हमेशा ये किया जाता है कि अगर आपको कभी इस तरह की फाइनेंशियल एप्लीकेशन पे काम करना पड़े, ये मामलात आते हैं ज़्यादातर बैंक्स वगैरह को आते हैं, नॉर्मल एप्लीकेशन में तो क्या फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती होगी, तो वो लोग करते फिर ये हैं कि इंटरनल कैलकुलेशन तो सारी वही होती है हेड क्वार्टर बेस, बाकी जब डिस्प्ले करना होता है ना तो सिर्फ उस वक्त कन्वर्ट करके दिखा देते हैं, मतलब डेटाबेस वगैरह में। और सो सारी जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मल होगी, सिर्फ जब फाइनली जो आउटपुट आ गया है उसको डिस्प्ले करने का मतलब है ना, तो उस वक्त जो है वो फॉर्मेट करके दिखाते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि अब यूजर ने इनपुट अगर दिया ना फ्रेंच में, तो वो फ्रेंच में तो उससे ले लेंगे लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे अपने फॉर्मेट में पहले और उसमें ही स्टोर करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने फ्रेंच वाले से फ्रेंच के फॉर्मेट में ले लिया और इटली वाले से इटली के फॉर्मेट, अब फ्रेंच वाला लिखेगा ही उस तरीके से ना, नंबर ही वो वैसे इनपुट करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो बार गूगल ट्रांसलेटर जो है ना, ये तो कंपाइलर बना रखा है इसमें ना, ये तो कंपाइल करके ट्रांसलेट करता पूरा ना, तो इसमें भी बहुत सारे मसले हैं अभी, ये सही नहीं है इसमें। तो नंबर कन्वर्जन अलग चीज़ है, टेक्स्ट कन्वर्जन अलग है, नंबर तो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉमा सेपरेट करके। देखिए मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फॉर्मेट की, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर्मेट के अलावा भी ना। ये अब मैंने 10 रुपये लिखे तो वो 10 रुपये डॉलर में कन्वर्ट हो गए, कितने होंगे वो एक अलग मसला है। ठीक है, तो ये बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप जो है ना वो जम्बावियन करेंसी में ज़रा ट्रांसलेट कर लें भाई, वो जावास्क्रिप्ट मसले आ जाते हैं, जावास्क्रिप्ट ब्रेक हो जाती है, वो डेसिमल के बाद इतना वो पतनी कहाँ चले जाता है वो नंबर, वो 0.000 करके वो इतना लंबा हो जाता है नंबर कि वो डिस्प्ले ही नहीं हो पाता, एरर आना शुरू हो जाता है। तो बड़े मसले मसाइल हैं। ठीक है, वहाँ पे हर कोई जो है वो अरबपति करोड़पति घूम रहा होता है, भिखारी भी अरबपति होता है वहाँ पे, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई है कि वो लोग जो है ना नॉर्मली करोड़ 2 करोड़ के तो नोट लेके फिर रहे होते हैं वो लोग। जैसे हमारी करेंसी भी जब गिर रही है तो आप देखें कि 5,000 का नोट आ गया है, पहले कहाँ 5,000 के नोट का कॉन्सेप्ट था। तो जितना करेंसी गिरती रहेगी ना उतने बड़े बड़े नोट आना शुरू हो जाएंगे। जैसे किसी जमा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे 8 आने और 4 आने, अब तो 4 आने नज़र नहीं आते, 8 आने कहीं कभार कुछ नज़र आ जाएंगे। हमारे जो बड़े थे वो आनों में होते थे, 16 आने होते थे, 1 आना होता था, उसमें पैसे होते थे, 100 पैसे 1 रुपये के बराबर होते थे, तो चीज़ें पैसों में भी मिलती थी। ठीक है, हाँ, लोगों की तनख्वाही जो है वो 3 आने और 2 आने हुआ करती थी किसी ज़माने में, वो भी दौर गुजरा है। तो करेंसी डीवैल्यू होती चली जा रही है ना,
ठीक है, सही है।